हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटॉप पर। मैं सफन, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी लेखपाल स्पेशल 2020 के लिए ग्रामीण प्रवेश की लगातार क्लासेस हो रही है। अब तक हमने 13 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं ग्रामीण प्रवेश की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का, चाहे वो जीके हो, चाहे हिंदी, चाहे ग्रामीण प्रवेश, जितने भी क्लासेस हुए हैं सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे क्लास को कवर कर सकते हैं। और आज हमारा ग्रामीण प्रवेश का टॉपिक वाइज क्लास, ठीक है, तो जिसमें हमारा टॉपिक ग्रामीण योजनाएं। अब तक हमने 3 टॉपिक पे कर चुके हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज के हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामीण योजना, यानी ग्राम में चलाए गए जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर आपसे कुछ बात करनी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, या वो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं चैनल के कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, यहां पर मेरा ये देख सकते हैं, यहां पर ये यूज़र नेम है btopper_yt, ये भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और आपको इंस्टा की प्रोफाइल का लिंक भी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसको क्लिक करके वहां पर आप मुझे जाके फॉलो करके, और जो भी आपका सवाल हो, जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों, सभी का रिप्लाई करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनको भी फॉलो करना है नीचे लिंक है वहां से फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने बी टॉपर की तरफ से तैयार किया गया बेसिक लेवल का क्रैश कोर्स नहीं खरीदा, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है, तो आप देर कर रहे हैं दोस्तों। आपको इसको जरूर बाय करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराया गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है। प्रैक्टिस सेट यहां पर दिया गया है, साथ साथ सब कुछ चीजें दी गई है, स्टडी मटेरियल दिया गया है, नोट्स दिया गया है। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसको बाय कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्रामीण प्रवेश की और भी टॉपिक वाइज क्लास हो चुके हैं, जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमारी योजना है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी लोग आंसर भी करते हैं अगर आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? रक्षा राज्य मंत्री करता है, या केंद्रीय रक्षा मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर सी है, केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? 2 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यहां पर से, ये नई दिल्ली। और इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए भी था आंसर, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी से हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, तेजस्विनी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण योजना हेतु वित्त पोषण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दें दोस्तों, फटाफट कॉमेंट करें आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन ए सी है दोस्तों, विश्व बैंक। कौन सी संस्थान है? विश्व बैंक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दें आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, 1998 में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें आप लोग जल्दी जल्दी। प्रतिशत धनराशि पूछी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, यानी कि 25% और 17,500 रुपये सब्सिडी धनराशि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए तिरुवन्नामलाई गिरिवल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, योजना के नाम से ही आप लोग गेस कर सकते हैं किस राज्य का ये योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही, तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आप लोग रिवीजन करने के लिए पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 7 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 का क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वारिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वारिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
8 दिख ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें। ट्रेल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दें जल्दी जल्दी आप लोग। और क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, क्लास हेल्पफुल लग रही हो, तो आप लोग प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है, गंगा नदी सफाई परियोजना है, पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन परियोजना है, नदी जल पाइपलाइन परियोजना या गैस पाइपलाइन परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर से ये गैस पाइपलाइन परियोजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए देश का प्रथम राज्य जहां कोरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के को शामिल किया गया है। 10 का राइट आंसर दे, देश का प्रथम राज्य कौन सा है ऐसा? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी से झारखंड है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई है, कब लागू हुई है बताएं? ग्रामीण डाक बीमा योजना कब लागू हुई है? 11 का राइट आंसर फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। तो यहाँ पर 11 का कैसे हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा, 1995 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, देखिए प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई है, कब बताएं? 12 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, 1994-95 के मध्य लागू की गई योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। सॉरी 13 का राइट आंसर दे, 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए से, ये राष्ट्रीय विकास परिषद कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है समन्वयकर्ता का कार्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली घर परियोजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? 14 का आंसर दें आप लोग। चौदह का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सौभाग्य योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? 15 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। पंद्रह का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से हो जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये स्लोगन है इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ट्रायसिम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 16 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, निर्धनता निवारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? 17 का राइट आंसर दें, कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सबला, ठीक है, या SABLA। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखिए क्या है, केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? 18 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग, 18 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा, कृषि से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग के सहायतार्थ लागू की गई है? 19 का राइट आंसर दें, 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी से ही, यहां पर वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के योग्य किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दें आप लोग। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? 21 का राइट आंसर दें दोस्तों। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाया करें। 21 का राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? 22 का राइट आंसर दें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि खलिहान दुर्घटना बीमा, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये सभी कदम उठाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष से लागू की है? 23 का राइट आंसर दें आप लोग जल्दी जल्दी। तेईस का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 23 का डी से हो जाएगा, 1999-2000 के मध्य में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है किसके हेतु? बताएं 24 का राइट आंसर। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही उत्तर बी से ही हो जाएगा, मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सहकारिता से संबंध करने हेतु। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा मंडल का गठन किस वर्ष में हुआ? ताकि सहकारी संस्थाओं को अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु व्यावसायिक प्रबंधन सुलभ हो सके। 25 का राइट आंसर। यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आपका ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, मार्च 1972 से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? 26 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SSY का अंग बन गई है। 27 का राइट आंसर दें, यानी मर्ज हो गई है इसी में। तो यहाँ पर 27 का क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, DWCRA। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कार्यशील है? 28 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी यानी ग्राम विकास विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है? सभी को पता होगा, 29 का राइट आंसर दें। लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है बताना है जल्दी जल्दी कमेंट करके। 29 का राइट आंसर। देखिए 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? 30 का राइट आंसर दें, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार का कितना कितना योगदान होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो 30 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा, 75% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 25% जो है वो राज्य सरकार का होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम होनी चाहिए, कितने से कम होनी चाहिए बताना है। 31 का राइट आंसर, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत। यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। इंदिरा आवास योजना जिसको कहते हैं IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत शाभाजन अनुपात क्या है, यानी कितना राज्य का होता है योगदान और कितना केंद्र का, इसमें बताना है। 32 का राइट आंसर। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर से, ये इसमें भी आपका 75% योगदान केंद्र सरकार का भरता होता है और 25 होता है राज्य सरकार का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33।
इंदिरा आवास योजना निम्नलिखित में से किस योजना के उपयोजन के रूप में प्रारंभ की गई थी? 33 का राइट आंसर दें जल्दी जल्दी आप लोग। उपयोजना के रूप में प्रारंभ की गई थी तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 34 का आंसर दें आप लोग। एक तरफ योजनाएं दी गई, एक तरफ उनके प्रारंभ की तिथि दी गई, कब से शुरू की गई है, तो बताएं कौन सी सुमेलित नहीं है। 34 का सी सही हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 25 दिसंबर को नहीं लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित अधोरचना विकास में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का योगदान रहा है? 35 का उत्तर दें, चार ऑप्शन पढ़ के आप लोग। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना मनरेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? 36 का राइट आंसर दें आप लोग। दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी से ही हो जाएगा, पर जिला ग्राम विकास अभिकरण। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? 37 का राइट आंसर दें आप लोग। सैंतीस का क्या हो जाएगा? 37 का डी से हो जाएगा, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेसिक शिक्षा नहीं सम्मिलित है, पोषाहार पेयजल तथा स्वास्थ्य सम्मिलित नहीं है, ग्रामीण सड़कें तथा आवास सम्मिलित नहीं है, लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है बताना है ग्रामोदय योजना में? तो 38 का राइट आंसर क्या है जल्दी कमेंट करके बताएं आप लोग। 38 का डी से हो जाएगा, लघु उद्योग नहीं सम्मिलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी बताना है। 39 का राइट आंसर, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी बताना है। 39 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कॉमेंट करें आप लोग। देखिए 39 का सी से हो जाएगा, 1 जुलाई 2001 को। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर दीजिए फटाफट। 40 का क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, कुफरी। ठीक है, कहाँ पर है? कुफरी। तो यहाँ पर हमने टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि संबंधित है योजनाएं से, ग्रामीण योजनाएं से। अगर ये क्लास पसंद नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल पर नए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी बातचीत के लिए, सवाल के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, जो भी क्लासेस छूटी हो प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं दोस्तों।